हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शाही पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप हमारे इस मेथड से घर पर शाही पनीर बनाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के शाही पनीर का स्वाद भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये घर पर ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने पहले से काट कर रखा है। आप देख सकते हैं हमने इसे ट्रायंगल शेप में काटा है, आप चाहें तो किसी भी शेप में से काट सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है, दो टमाटर जिन्हें हमने चॉप कर लिया है, कुछ हरी मिर्च, अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर हमने कुछ काजू लिए हैं जिन्हें हमने पानी में भिगो कर रखा था। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच जीरा, कुछ लौंगे, हरी इलायची इसे हमने छील लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पात के पत्ते। चलिए इसे हम हल्का सा भून लेते हैं। हमारे ये मसाले भुन चुके हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं लहसुन की कलियाँ, बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक, ये भी लाइट ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब ऐड कर लेते हैं अपने प्याज। यहाँ पर हमने 1 बड़े प्याज का यूज़ किया है, इसे भी हम ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज भी अब ब्राउन हो चुके हैं। चलिए इसमें डाल लेते हैं कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक डालने से हमारे प्याज और टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। अब हम डाल लेते हैं काजू, इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और इसे मिक्स करेंगे एक बार, और प्लेट से कवर कर 5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हमारे प्याज टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसमें से तेज़पात के पत्ते निकाल कर अलग कर देते हैं और अपने मसाले को पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए हमने यहाँ पर मिक्सर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हम इसको तैयार करने वाले हैं, और यहाँ पर हम एक बड़ी छलनी का यूज़ करने वाले हैं जिससे हम इसे छानेंगे। इस तरीके से हमने अपने मसाले को छलनी में डाल दिया है और चम्मच की सहायता से इसे हिलाते हुए छान लेना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा मसाला छन कर आ चुका है। अब हम फटाफट से ग्रेवी बनाने के आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया, आप देख सकते हैं ये गर्म हो रहा है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मलाई। यहाँ पर हमने फ्रेश मलाई का यूज किया है, आप चाहें तो क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच शाही पनीर मसाला, थोड़ा सा नमक, नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम नमक यूज़ पहले भी कर चुके हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जो हमारे शाही पनीर को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। चलिए इसे हम मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं अपने काटे हुए पनीर और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसे हम चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। ये हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे तंदूरी रोटी, नान रोटी या बटर नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा मज़ा ले सकते हैं। और आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।